गुड डायनासोर आज से 65 मिलियन साल पहले धरती से एक उल्कापिंड टकराया था, जिस वजह से धरती से सभी डायनासोर्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन इस कहानी में दिखाया गया है कि उस वक्त वो उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया, जिस वजह से धरती से डायनासोर्स का खात्मा नहीं हुआ। और आज 65 मिलियन सालों बाद हमें एक डायनासोर के कपल को दिखाया जाता है जो फार्मर है। उनके 3 अंडे होते हैं जिसमें से अब बच्चे बाहर निकल चुके हैं, लेकिन इनका जो सबसे छोटा बच्चा होता है जिसका नाम आर्लो है, वो साइज में सबसे छोटा है। धीरे धीरे वक्त बीतता और अभी तीनों के तीनों डायनासोर्स बड़े हो गए हैं। आर्लो के दोनों बड़े भाई अपने माँ बाप की खेती में उनकी मदद करते हैं, पर आर्लो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। वो हर एक चीज से डर जाता है, ना ही वो भारी भारी सामान उठा सकता है। अब आर्लो के माँ बाप इन्हें बताते हैं कि सर्दियां आने वाली है, इसीलिए इन्हें बहुत सारा खाना जमा करना होगा। इन्होंने एक स्टोर रूम बनाया होता है जहां पर ये बहुत सारा सर्दियों के लिए खाना जमा कर देते हैं, और इसके बाद आर्लो के माँ बाप अपने फुटप्रिंट उस जगह पर लगाते हैं। हालांकि आर्लो के भाई भी ऐसा करना चाहते हैं, और आर्लो के पिता कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए इस काबिल बनना होगा। जब तुम कभी ऐसा काम कर लोगे और तुम्हें लगेगा कि तुम यहाँ पर फुटप्रिंट लगाने के लायक हो चुके हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ पर आर्लो के भाई और बहन आज ही ये काम करना चाहते हैं, इसीलिए आर्लो के पिता उन सबको यहाँ पर कुछ न कुछ काम देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने काम को अच्छे से किया तो तुम आज ही फुटप्रिंट लगा सकते हो। अब आर्लो के भाई और बहन सारे कामों को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आर्लो अपने साइज की वजह से, अपने डरे हुए नेचर की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। आर्लो के भाई और बहन भी अपने फुटप्रिंट को यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन अब सिर्फ आर्लो बचा है जिसे ऐसा करना है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि इनका खाना वहां से किसी ने चुरा लिया। आर्लो के पिता आर्लो को एक काम देते और कहते हैं कि जिसने भी हमारा खाना चुराया है उसे तुम्हें पकड़ना होगा, और अगर तुम इस काम में कामयाब हो जाते हो तो तुम भी अपने फुटप्रिंट को यहाँ पर लगा सकते हो। और अब आर्लो किसी भी कीमत पर उस चोर को पकड़ना चाहता है। आर्लो अपने पिता के साथ यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, और कुछ ही देर बाद जब आर्लो यहाँ पर अकेला होता है तो वहां पर एक जंगली बच्चा आता है जो एक बार फिर से इनका खाना चुराना चाहता है, पर अब वो जाल में फंस चुका है। वो आर्लो से कहता है कि मुझे यहाँ से छोड़ दो। हालांकि आर्लो के पिता ने कहा था कि तुम्हें उसे मारना होगा, लेकिन आर्लो उसे मार नहीं पाता, उसे छोड़ देता है। और जब आर्लो के पिता को बात पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हें डरना छोड़ना होगा, और इसके बाद वो आर्लो को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उस जंगली बच्चे को पकड़ सके। चलते चलते ये एक घाटी में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है। आर्लो को बहुत डर लग रहा होता है, और अब यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। आर्लो के पिता कहते हैं कि हमें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन अब नदियों का पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आर्लो के पिता ये देख लेते हैं, इसीलिए वो आर्लो को उछालकर चट्टान के ऊपर फेंक देते हैं। पर जब वो खुद ऊपर आने की कोशिश करते हैं तभी नदी का बहाव उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाता है, जिससे आर्लो के पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आर्लो वापस अपने घर आ जाता है। वो अपने पिता की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होता है, और एक दिन जब वो काम कर रहा होता है तभी उसे वो जंगली बच्चा एक बार फिर से दिखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, हालांकि वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब वो उस बच्चे के साथ नदी में गिर जाता है। नदी के अंदर उसका सर चट्टान से टकराता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब आर्लो को होश आता है तो नदी के किनारे होता है। इससे पहले कि आर्लो कुछ समझ पाता, उसे वही जंगली बच्चा दिखता है जो चट्टान के ऊपर होता है। वो उसका पीछा करते हुए चट्टान के ऊपर जाता और देखता है कि दूर दूर तक उसे कहीं भी अपने घर का कोई भी निशान नहीं दिख रहा। तभी वो नीचे दोबारा से नदी को देखता है, और उसे अपने पिता की याद आती है कि जब भी तुम्हें अपने घर वापस आना हो तो तुम नदी के साथ चलते चलते अपने घर तक वापस आ सकते हो। और अब आर्लो नदी के किनारे चलते चलते घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पत्थरों के ऊपर चलते चलते उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। आर्लो भूखा भी होता है, और तभी उसे पेड़ पर कुछ फल दिखते हैं जो कि बहुत ऊपर होते हैं। आर्लो उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर से उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो लुढ़कते हुए नीचे आता है, और पत्थर के नीचे उसका पैर अब फंस चुका है। आर्लो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। आर्लो थक हार कर रात को वहीं पर सो जाता है, पर जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि जिस पत्थर के नीचे उसका पैर फंसा था वहां पर मिट्टी खोदकर किसी ने रास्ता बना दिया है ताकि वो अपना पैर निकाल सके। वहां पर उसे उसी जंगली बच्चे के छोटे छोटे पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे आर्लो समझ जाता है कि ये काम उसी जंगली बच्चे ने किया है जो उनका खाना चुराया करता था। अब वो बच्चा आर्लो के सामने आ जाता है। दरअसल वो उसके लिए यहाँ पर एक
जंगली लिजर्ड लेकर आया होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि आर्लो एक शाकाहारी डायनासोर है। पर जब आर्लो उसे नहीं खाता तो समझ जाता है, और इसके बाद वो उसके लिए वही बेरीज लेकर आता है जिसे आर्लो खाना चाहता था, जिन्हें देखते ही आर्लो खा जाता है। पर अब भी उसकी भूख नहीं मिटी होती, इसीलिए वो जंगली बच्चा आर्लो को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उन बेरीज का एक बहुत बड़ा पेड़ है। लेकिन जब आर्लो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो जंगली बच्चा उसे रोकता है, पर आर्लो रुकता नहीं है और बेरीज खाने लगता है। दरअसल इस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सांप होता है जो आर्लो के ऊपर हमला कर देता है, पर वो जंगली बच्चा उस सांप से लड़ता है और उससे हरा देता है, जिससे वो सांप यहाँ से भाग जाता है। अब आर्लो और इस जंगली बच्चे के बीच में दोस्ती हो चुकी है। ये दोनों लगातार आर्लो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जब रात हो जाती है तो ये एक जगह आराम करने का फैसला करते हैं। आर्लो अपनी पूंछ से उस जगह को साफ करता है तो वहां से बहुत सारी फायरफ्लाइज उड़ती हैं, जिसे देखकर उसे अपने पिता की याद आती है, क्योंकि जब वो अपने पिता के साथ था तब भी उसने इसी तरह की फायरफ्लाइज देखी थी। और अब आर्लो वहां बैठकर जमीन पर 5 लकड़ियों को खड़ा करता है और जंगली बच्चे को समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरा परिवार है। और इसके बाद वो सबसे बड़ी लकड़ी को हटा देता है, जिसका मतलब ये है कि वो जंगली बच्चे को ये बता रहा है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखने के बाद जंगली बच्चा भी 3 लकड़ियों को खड़ा करता है, और इसके बाद वो 2 बड़ी लकड़ियों को हटा देता है। आर्लो समझ जाता है कि उसने अपने माँ और बाप दोनों को ही खो दिया है और अब वो इस दुनिया में अकेला है। वो जंगली बच्चा भी आर्लो की तरह उदास हो जाता है, और इसके बाद ये एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो नदी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तभी एक बार फिर से तूफान आ जाता है। नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आर्लो बुरी तरह से डर जाता है, इसीलिए वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे आता है और वहीं पर छुप जाता है। जब तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आर्लो देखता है कि वो नदी से बहुत दूर आ चुका है। नदी कहाँ है उसे कुछ भी नहीं पता, और बिना नदी के वो अपने घर नहीं जा सकता। वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, और तभी यहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर आते हैं। आर्लो उनसे पूछता है कि नदी कहाँ पर है। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम यहाँ पर उन जानवरों को खाने के लिए आए हैं जो तूफान में मारे गए हैं। इसके बाद वो आर्लो से पूछते हैं, क्या तुमने किसी जंगली बच्चे को देखा? आर्लो उनसे बहुत डरा हुआ होता है, इसीलिए वो उसे बता देता है कि वो बच्चा वहां पर है। और जब वो उड़ने वाले डायनासोर उस जंगली बच्चे की तरफ जाते हैं तो आर्लो पूरी हिम्मत करके वहां पर जाता है और जंगली बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर यहां से भागने लगता है। वो उड़ने वाले डायनासोर इनका पीछा करते हैं, और तभी इनके सामने बहुत बड़े बड़े 2 डायनासोर आ जाते हैं, जिनसे आर्लो डर जाता है। आर्लो वहां से वापस भागने लगता है, और तभी यहाँ पर एक और बड़ा डायनासोर आ जाता है। दरअसल जिन डायनासोर से वो भाग रहे होते हैं ये उनका पिता होता है। वो आर्लो से कहता है कि तुम डरो मत, हम तुम्हारी तरह ही वेजिटेरियन हैं। आर्लो कहता है कि आप मुझे नदी का रास्ता बता सकते हैं? मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ जो नदी के रास्ते होते हुए आता है। वो डायनासोर कहता है कि मेरी भैंसों का झुंड खो गया है। आर्लो कहता है कि मेरे साथ जो ये जंगली बच्चा है ये सुनकर तुम्हारी भैंसों के झुंड को ढूंढ सकता है। और इसके बाद ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इस डायनासोर की भैंसों का झुंड होता है। वो डायनासोर कहता है कि यहाँ पर मेरी भैंसों को चुराने वाले भी हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। भैंसों के बीचों बीच जो पत्थर है तुम्हें उस पर खड़े होकर चिल्लाना होगा। और अब आर्लो और वो जंगली बच्चा उस जगह पहुंच जाते हैं। आर्लो यहाँ से चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, और तभी जंगली बच्चा उसके पैर पर काट लेता है जिससे आर्लो जोर से चिल्लाता है। और तभी वो सब के सब जिन्होंने भैंसें चुराई थी वो बाहर आकर इन पर हमला करने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो इन पर हमला करते, बड़ा डायनासोर और उसके बच्चे इन सब को पकड़ लेते हैं। डायनासोर को उनकी भैंसें मिल चुकी है, ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। रात आर्लो और वो जंगली बच्चा इन्हीं डायनासोर के साथ आग के किनारे बैठकर बिताता है। आर्लो कहता है कि मेरे पिता बहुत ज्यादा बहादुर थे, उन्हें कभी डर नहीं लगता था। तभी वो बड़ा डायनासोर कहता है कि डर सबको लगता है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने डर पर काबू कैसे करना है। और अगली सुबह बड़ा डायनासोर अपनी भैंसों और अपने बच्चों के साथ आर्लो और जंगली बच्चे को लेकर आर्लो के घर की तरफ निकल पड़ता है। ये चलते चलते पहाड़ के इतनी ऊपर पहुंच जाते हैं कि आर्लो का सर बादलों से बाहर निकल जाता है, और तभी उसे सामने वो चट्टान दिखती है जो उसके घर के पास है। आर्लो समझ जाता है कि जल्दी वो अपने घर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद डायनासोर इन्हें यहीं पर छोड़कर वापस निकल जाते हैं, और अब आर्लो
और जंगली बच्चा दोनों खुशी खुशी चिल्लाते हुए उस तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब वो छोटा जंगली बच्चा चिल्ला रहा होता है तभी उसी तरह की आवाज उसे सामने से आती है। और जब ये दोनों सामने देखते हैं तो वहां पर जंगली बच्चे की तरह दिखने वाला एक आदमी होता है। दरअसल यही आदमी आवाजें निकाल रहा होता है। जंगली बच्चा उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन आर्लो उसे मना करता है और अपनी पीठ पर बैठा कर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ चलता है। और तभी वहां पर उड़ने वाले डायनासोर जो पहले भी जंगली बच्चे को मारना चाहते थे वो वहां पर आ जाते हैं। वो जंगली बच्चे को पकड़ लेते हैं। हालांकि आर्लो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो डायनासोर उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। आर्लो चट्टान से नीचे गिर जाता है और पेड़ की लताओं में फंस जाता है। पर तभी वहां पर उसे एक बहुत बड़े डायनासोर का साया दिखता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। आर्लो अब उन लताओं से आजाद हो चुका है। वो अपने पिता के पीछे पीछे जाने लगता है। दरअसल उसके पिता उसे वापस घर ले जा रहे होते हैं। पर तभी आर्लो देखता है कि जमीन पर यानी कि मिट्टी पर उसके पैरों के निशान तो बन रहे हैं लेकिन उसके पिता के पैरों के निशान नहीं बन रहे। दरअसल उसे सिर्फ अपने पिता के विजन्स दिख रहे होते हैं। वो उन्हें कहता है कि वो घर जाने से पहले अपने दोस्त जंगली बच्चे को छुड़ाना चाहता है। उसके पिता को अपने बेटे पर गर्व होता है और अब आर्लो उस तरफ बढ़ चलता है जहां पर उड़ने वाले डायनासोर उस जंगली बच्चे को ले गए हैं। आर्लो देखता है कि नदी के किनारे वो डायनासोर उस जंगली बच्चे को खाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पेड़ के अंदर चला गया होता है, वहां पे छुपा होता है। और अब आर्लो को बहुत गुस्सा आता है। वो भागता हुआ जाता है और उड़ने वाले डायनासोर को टक्कर मारता है और इसके बाद वो डायनासोर की तरह चिल्लाता है जिससे वो उड़ने वाले डायनासोर डर जाते हैं। और इससे पहले कि वो अपने दोस्त को बचाता पानी में एक बार फिर से फ्लड आना शुरू हो जाता है जिससे पानी का लेवल बढ़ जाता है। और ये फ्लड ठीक वैसे ही था जिस फ्लड में उसके पिता मारे गए थे। लेकिन अब आर्लो अपने दोस्त को बचाना चाहता है इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद जाता है। और इससे पहले कि फ्लड जंगली बच्चे से टकराता वो उसे पकड़ लेता है। ये दोनों के दोनों ऊपर झरने से नीचे गिर जाते हैं लेकिन आर्लो ने उस जंगली बच्चे को बचा लिया है। वो उसे किनारे पर ले आता है। आर्लो ने जंगली बच्चे की जान बचा ली है और अब ये दोनों के दोनों आर्लो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी वो केवमैन जो पहले भी इनके सामने आया था वो एक बार फिर से इनके सामने आ जाता है। जंगली बच्चा भागते हुए उसके पास जाता है। वो केवमैन उसे अपने गले से लगा लेता है। यहाँ पर उस केवमैन की फैमिली भी होती है। दरअसल ये इस जंगली बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। पर जंगली बच्चा वापस आर्लो के पास आ जाता है लेकिन आर्लो उसे वापस उनकी तरफ धकेलता है क्योंकि वो जानता है कि उसे अपने जैसे लोगों की जरूरत है, उसे प्यार की और केयर की जरूरत है। और जंगली बच्चा भी समझ जाता है कि यही उसके लिए ठीक होगा। ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन अब आर्लो अपने घर से बहुत नजदीक है। जल्दी वो अपने घर पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी मॉम और भाई बहन को देखकर बहुत खुश होता है। हालांकि अब इनके पिता इनके साथ नहीं है पर फाइनली आर्लो अपने घर पहुंच चुका है। आर्लो की मॉम कहती है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, तुमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम हमेशा से एक बहादुर बनो और तुमने उनका सपना पूरा कर दिया, इसीलिए अब तुम्हें भी हक है कि तुम वहां पर अपना पैर का निशान लगाओ जहां पर हमारे पूरे परिवार का है। और इसके बाद आर्लो अपनी मॉम और डैड के पैर के निशान के बीच में अपने पैर का निशान भी लगा देता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।